नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हमारे किचन में बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसे कि मैंने धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाले हैं, जो कि हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये प्याज मैंने 1 प्याज काटा है। यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च ली है। हमारा प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल और डाला है। अब हम उसमें पनीर की सब्जी का मसाला तैयार करेंगे। यह मैंने 1 बड़ी साइज का प्याज डाला है यहाँ पे। इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन की मैंने 5-6 कलियाँ ली थी, जिसे कि मैंने ग्रेट कर कर लिया है, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, इसे भी मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है। और 4 हरी मिर्ची डालेंगे और 3 मीडियम साइज के टमाटर। यहाँ हमारे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा पनीर की सब्जी का मसाला पक चुका है। अब हम इसमें, मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मलाई ली है, वो डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा सब्जी का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सी में बिल्कुल इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी पैन में मैंने एक बार फिर से 2 चम्मच ऑयल डाली है, और हमने हमारा मसाला जो था उसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम हमारा मसाला उसमें डालेंगे। मसाले को हम 2 मिनट के लिए एक बार फिर से फ्राई करेंगे। अब हमने यहाँ पर 250 ग्राम मटर के दाने लिए थे, वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारे मसाले ने यहाँ पर तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। और हमने जो शिमला मिर्च और प्याज स्टार्टिंग में फ्राई करके रखा था, उसे भी हम इसमें डालेंगे। मैंने सब्जी को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। हमने जो मसाला तैयार किया था, वो बचा हुआ जो मसाला था, उसमें मैंने यहाँ पर पानी डालकर सब्जी में डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और
दो चम्मच घी, यह हमारे ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।